हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ टाइगर श्रॉफ, आपका दोस्त टाइगर श्रॉफ, जिसने आपको बड़ी अच्छी मूवीज दी है, हीरोपंती, बागी, फ्लाइंग जट और वार जैसी मूवीज कई सारी दी हैं। गाइस, आज मैं खुद काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। गाइस, अब आप पूछोगे क्यों, तो मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। गाइस, ये क्या होता है, मतलब यूट्यूब मेरा धंधा है और जी म्यूजिक कंपनी ने जो कांड किया वो मैं आपको बताता हूँ। दो सेकेंड। बकवास था कुछ इस गाने में, कुछ बकवास था। नहीं ना, अब आपको इस गाने का सबूत भी कहाँ से देना पड़ रहा है, स्पॉटिफाई से। हाँ, स्पॉटिफाई की सब्सक्रिप्शन फ्री में लिए मैंने आपके लिए, ताकि मैं आज का वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। लेकिन ये उन्होंने ढंग का नहीं काम किया, अपन जी म्यूजिक कंपनी को दबा कर देगा। और एक और यार, ये आज का जो दिन है ना, वो सुबह से ही पहले पूरी कर ले बात, तक मेरे को पता चला जब डिलीट हो गया, तो उसको यूट्यूब पे सर्च किया देखने के कितने व्यूज हुए हैं, तो मैंने देखा डिलीट हो गया है। और बाद में अभी सुबह सुबह इलेक्शन हुए थे सेक्रेटरी पद के, तो समर का डिस्को चार्टर जो कि आज तमिलनाडु गया है वो जीता, और वो तमिलनाडु में रहता है। गैस, जो आदमी यहाँ पे आता ही नहीं है पूरा टाइम, वो सेक्रेटरी इलेक्शन जीत गया। मेरा मोबाइल गिर गया, मेरा कैमरा, मेरा मोबाइल। यार, वो आदमी, मेरा जो कैमरा मैन है ना, वो छुट्टी पे गया हुआ है, जिस चैनल का पुराना मालिक था वो छुट्टी पे है, और अभी वो आएगा आधे दिन, कुछ दिन बाद। कि आज को क्या तारीख है आज? हाँ, आज 30 मार्च है। आज के दिन पता है क्या हुआ था? आज के दिन मेरा गाना भी डिलीट हुआ और डिस्को चाचा ऊपर से इलेक्शन जीत गया। मेरे से ज़्यादा दुखी कौन होगा? डिस्को चाचा ने एक बारी मेरे से लड़ाई की थी पंजे में, वो मेरे से हार गया, पंजा लड़ाते हुए वो मेरे से जीत गया। एंड और पता क्यों जीता? मैंने उसको कहा, उसका दूसरा हाथ फिर काबू में रखा, फिर मैंने उसका हाथ ऐसे धकेला और टेबल टूट गया हाथ से, उसके का हाथ रखा और उसका हाथ से टेबल टूट गया और मैं डर गया। मैंने कहा अभी ये तो मेरे को खा जाएगा, इतना ज़्यादा खतरनाक है। उतार दूँ टी शर्ट, उतार दूँ गैजाज को, उतार दूँ। नहीं ना, आप लोगों को तो नहीं कहना होता है। तो गैस, अब जैसे ही आपको पता है कि सारी बॉलीवुड इंडस्ट्री कहाँ रहती है, मुंबई में। वैसे मैं भी मुंबई में रहता हूँ, और मुंबई में मैं कहाँ पर रहता हूँ, पास में ही रहता हूँ तीनों स्टेडियम्स के, द्राबोन, डी वाई पाटिल और वानखेड़े। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं चेन्नई और केकेआर का मैच देखने गया, केकेआर की जर्सी पहन के, और केकेआर मैच जीत गई। फिर मैं गया मुंबई और दिल्ली का मैच देखने, दिल्ली जीत गई, मैं दिल्ली की जर्सी पहन के गया था। अब आप कहोगे मैं दिल्ली को भी सपोर्ट करता हूँ, अरे भाई मेरी मर्जी है, मैं जिसको चाहे उसको सपोर्ट करूँ। फिर मैं अगले मैच में वापस गया, अगले मैच में मैं पंजाब की जर्सी पहन के गया था और पंजाब जीत गया। हाँ गाइस, मैं हूँ। और आज मैं दिल्ली आ गया हूँ, ये परसों हुआ था ना, और वो हाँ मैं कल पुणे गया था, पुणे में मैंने राजस्थान की जर्सी पहन ली, सनराइजर्स की जर्सी मैं खरीद ली थी और फ्लैग भी खरीद लिया था। लेकिन मेरे को जॉस बटलर काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने उसके नाम की जर्सी बिक्री थी वो मैंने पहन ली, प्रसिद्ध कृष्ण और जॉस बटलर काफ़ी अच्छे लगते हैं मेरे को, तो मैंने जॉस बटलर की जर्सी पहन ली। अब परिणाम ये हुआ कि जॉस बटलर की टीम मैच जीत गई, और
मैंने कहा कि यार ये जो लकी ये जो जर्सी है ये लकी चार्म है मेरा। अब आज कोलकाता और बेंगलुरु का मैच है, मैं तो बेंगलुरु को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि भाई उसमें कौन है, हमारे कोहली भैया और फाफ डू प्लेसिस क्योंकि मेरी तरह ही दिखते हैं दोनों विंस है, क्रिकेट खेलने वाले टीम है। कोहली भैया ही मेरे जैसे दिखते, चीकू भैया फाफ थोड़ा अलग दिखता है। एनी वेज टाइगर श्रॉफ जैसे बहुत लोग दिखते हैं। बट गाइस एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम लोग क्या बकवास बकवास कमेंट लिखते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, तुम्हें पता भी नहीं है कौन से कमेंट्स लिखते हो। जब मैं कपिल शर्मा शो में गया था तो कपिल शर्मा बोला कि वो पोस्ट का पोस्ट मुटेरम दिखाने गए, मैं गया डर मेरे को लगा कौन से ये दिखा देगा बेवकूफ़ है एक नंबर का, दिखा गया गलत गलत और मेरा और भाई मैं डर गया। मैंने कहा भाई यार मैं अगली बार से कपिल शर्मा में जाना काफ़ी कम कर दूंगा यार, ये क्या ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाता है अगली बार कुछ और तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ आइंदा से ऐसे कॉमेंट्स लिखने, वरना जैसे मैंने परसों अपने कैमरा मैन को मारा था ना वैसे ही पीटूंगा तुमको। सुन लिया ओ ध्यान खोल और कान खोल के सुन लो, अब मैं दिल्ली में आ गया हूँ, यहाँ पे काफ़ी लोगों का लफड़ा चलता है ऐसी आदमी के साथ, यो जोगिंदर सारा भाई जोगिंदर के साथ बड़े लोगों का लफड़ा चलता है और मैं दिल्ली आ गया दिल्ली, लफड़ा नहीं मतलब लड़ाई यहाँ बहुत चलती है उसकी और अब मैं आ गया हूँ दिल्ली। वो मैन आज पोल्यूशन नहीं है, आज थोड़ी क्लियर एयर है, वरना दे यार यहाँ पे कितनी ज़्यादा फॉग होती है, गर्मी ने उसको भी नहीं छोड़ा। मुंबई में इतनी गर्मी थी कि मैं सोचा नॉर्थ इंडिया आ जाता हूँ कुछ देर के लिए और नॉर्थ इंडिया भी नहीं छोड़ रहा। अब मैं सोच रहा हूँ अब मैं जाता हूँ कैनेडा, अगर कैनेडा में भी गर्मी हुई तो भाई फिर तो ये दुनिया शायद तबाह हो जाएगी गर्मी से, गर्मी से दुनिया पे गल जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा। अभी मैं कुछ देर के लिए दिल्ली में ही हूँ, एक आध महीने के लिए दिल्ली में रह के जाता हूँ, फिर वापस मैं जून में दिल्ली आ जाऊँगा। बहुत गर्मी होती है यार जून में, तो यार मुंबई रेड हॉट होता है और मैं अब यहाँ से IPL के कुछ टाइम बाद जाऊंगा, IPL के कुछ मैचेस देखने के लिए जाऊँगा, यहाँ से मुंबई जाऊंगा मैं कुछ देर बाद, अभी तो मैं यहीं भी हूँ क्योंकि मैंने अब हर एक टीम का एक मैच देखा है। राजस्थान सनराइजर्स का भी एक मैच देखूंगा, मैं एक मैच देखूंगा एटलीस्ट एक देखना है उनका मुंबई में एक ही स्टेडियम में, वो ब्राबोन, ब्राबोन में सबका एक एक मैच देखना है मैंने। एंड ब्राबोन में जब भी मैच होगा ना मेरे घर के बहुत पास है ब्राबोन और वही मैं ब्राबोन रोज पहले जाता हूँ पास लेके अपना, मेरे गाड़ी में बड़े सारे पास पड़े हैं, वांखड़े वांखड़े और DY पाटिल में गाड़ी में जाता हूँ बट ब्राबोन तक पैदल जाता हूँ। अंडरस्टैंड प्लीज़ अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ से एंड अब जब बारी आई है मैं वापस आ गया दिल्ली में, बड़ा मज़ा आ रहा है आजकल। हाँ यार यहाँ पे थोड़ी सी तो ठंड है ना दिल्ली में, तो अभी बड़े सारे लोग मेरे को कह रहे हैं बड़ा तू लकी है, बड़े सारे क्रिकेटर्स बड़े सारे लोग कह रहे हैं तू बड़ा लकी है तू बड़ा चलाक बंदा है दिल्ली आया। भाई अब मेरा मन किया दिल्ली आने का, सोचा आ जाता हूँ, ऐसी यार मन था दिल्ली आने का और मैं पुणे एयरपोर्ट पे ही था, मैंने छोटी सी एक फ्लाइट अरेंज कर दी और मैंने पुणे एयरपोर्ट पर खड़ा था मैं, हाँ तो फ्लाइट आ गई तो पुणे, पिछले दिन मेरे को दिल्ली जाने का बहुत मन कर गया कुछ करके। सौरभ जोशी व्लॉग से मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे वो लोग चांप खा रहे थे, मैं भी रोज़ दिल्ली में चांप खाता था जब मैं गया था इस बारी, तो मैंने सोचा मैं भी चांप खा के आता हूँ दिल्ली चलते हैं चांप खाऊँगा आराम से, साथ ही में यार अपने दिल्ली कैपिटल की फ्रेंडशिप भी लूँगा।
जाऊंगा, दोस्त है सारे मेरे, मैं भी दिल्ली को इस साल चिंता ना करो क्योंकि मैं दिल्ली का हूँ, मैं दिल्ली आया हूँ। आप मेरे को मिलने आ सकते हो, मैं होटल ड्यूसर देवराना में ही रह रहा हूँ अभी एट द मोमेंट। यहाँ पे बस मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ, बाकी तो भाई मेरे दोस्त हो जहाँ भाई रात दही से मिलूँगा, मैं यहाँ ससन से मिल लूँगा, उसके घर रहूँगा फिर। हाँ दोस्ती हो चुकी है मेरी उसके साथ, और हाँ बात है कि वजहत भाई को आप लोग इंस्टाग्राम पर क्यों नहीं फॉलो करते यार, मेरे कैमरामैन और मुझे दोनों को फॉलो कर दो यार इंस्टाग्राम पे, लिंक मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में देने की, मेरे को नहीं आता, कैमरामैन को आता है मेरे, क्योंकि भाई मैं तो अपने पहले वीडियोस बनाया नहीं कहता था, मेरे व्यूज के वीडियोस आते थे, बट जब से मेरे को पता चला है यहाँ, जब से ही मैं पिछली बार जब मैं दिल्ली आया था मेरा कैमरामैन शूट कर रहा था वीडियोस काफ़ी सारे, मैंने सोचा मैं भी थोड़े शूट कर दूँ, हाँ मैंने सोचा मैं भी थोड़े शूट कर दूँ, मैं उससे थोड़ा सा कंट्रोल सीखना अपने पास, वो मेरे को देख के ऑटोग्राफ लिखते हैं ना सब लोग, उसने मेरे से लिया, आई डिनाइड, मैंने कहा कि मेरे को अपना कैमरा सेटअप दे दे मैम, पर मैंने उससे लिंक का नहीं भेजा कि मेरे को लिंक बता दे कैसे खोलते लिंक्स, मैं पूछना भूल गया मैम, फिर वो मैंने उसको वेकेशन दे दी 2 महीने की, कि वो 2 महीने थोड़ा कैमरा से दूर से, और इसीलिए अभी मैं उसके घर आया था, अभी यहाँ पे व्लॉग शूट कर रहा हूँ, उसने कैनन का नया वीडियो ले लिया ताकि वो अपने कार्टून फैक्ट्स चैनल, अभी बाय द वे गाइस अब अपने असली रूप में आता हूँ मैं, सो गाइस जो वीडियो है उसमें एक चीज़ मैं आपको बताने जाता हूँ, इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि मेरा अब कार्टून फैक्ट्स चैनल अब और बड़ा बनने वाला है, जल्दी मैं उसमें डिटेल्स बहुत डाला करूँगा, एंड उसमें शायद डेली भी आया करे, शायद जल्दी मेरे कार्टून फैक्ट चैनल को गाइस मैं थोड़ा स्लो करूँगा, क्योंकि अब मैं डेली व्लॉगिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो क्योंकि गाइस YPM और अगर आपने देखा हो YPM भाई और सौरभ जोशी भी वही करते हैं, तो मैं भी डेली व्लॉगिंग करता हूँ, बस टाइगर श्रॉफ बन के करता हूँ, कोई कॉमेडी एक्ट नहीं करता हूँ, डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ, बस मेरा काम है आपको बहुत कूल के हंसाना, ताकि आप हंस हंस के आपका पेट दर्द कर जाए मेरे व्लॉग्स देख के भी, और हथ ऐसे मीम्स लगाना अपने वीडियोस में अपने बैकग्राउंड में, मीम्स भी लगाया करूँगा बट और ऐसे ऐसे मीम्स पता, और साथ ही मैं खुद के मीम्स भी बनाऊँगा थोड़े से, बनाने की कोशिश करूँगा, ओ बेटा मौज कर दी वो सब ये मीम्स बनाए वो सीख लूँगा, एंड अब बस 2 मिनट ब्रेक दे दो वापस ब्लॉगिंग शॉट स्टार्ट करते हैं, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा टाइगर श्रॉफ बनने में, क्योंकि मैंने एकदम से इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कह दिया,
तो गाइस मैं 2 मिनट की ब्रेक अभी वीडियो पॉज कर रहा हूँ। गाइस मेरे को गाइस काफ़ी मन कर रहा है अभी इस व्लॉग का पार्ट टू बनाता हूँ। बस अभी मैं याद भाई की वीडियो देखना चाहता हूँ गाइस, उनका फर्स्ट व्यू और फर्स्ट कमेंट करना चाहता हूँ। बाय गाइस। I showed you what you wanted. Let's have a bit of fun. I what you? अरे यार चल जा।